तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो इनफर्टिलिटी कपल आते हैं उनमें से अराउंड 50% मेल इनफर्टिलिटी की वजह से होते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी के पेशेंट यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसकी वजह से उनका जो मेल इनफर्टिलिटी वाला जो पार्ट है वो अंडर डायग्नोस रह जाता है और प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होता है। आज हम बात करेंगे स्पर्म क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। स्पर्म काउंट की मेरी एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल यूरोकेयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय में दे रखी है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज आप इसी विषय में बात करेंगे कि स्पर्म क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। उसके पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी होती क्यों है। मेल इनफर्टिलिटी के 5 मुख्य कारण होते हैं। एक प्रथम कारण होता है लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब डिक्रीज सेक्स डिजायर, मतलब सेक्स करने की इच्छा नहीं होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, स्पर्म के काउंट में कमी होना। स्पर्म का काउंट ठीक है बट उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। क्वालिटी क्या होती है? जब स्पर्म की जो स्ट्रक्चर या उसकी जो मोटिलिटी जो मूवमेंट होता है वो कम होता है, और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से। ये तो मुख्य कारण होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। आज हम बात करेंगे ओनली स्पर्म क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके विषय में डिटेल में बात करते हैं। स्पर्म क्वालिटी क्यों जरूरी है? अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा या स्पर्म का मूवमेंट ठीक नहीं होगा तो आपकी जो फीमेल पार्टनर के वेजाइना से सर्विक्स में यूट्रस में होकर ओवम तक आपका स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा और आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्या क्या चीजें करने से हम अपनी स्पर्म क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। आज इसमें हम विस्तार से बात करेंगे, जिसमें 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक होता है लाइफ स्टाइल चेंजेस, 2 नंबर होता है क्या फूड आप खाएं, 3 नंबर पे होता है क्या चीजें आप अवॉइड करें जिससे आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो, और 4 नंबर पे बात करेंगे क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है जिससे कि आपका स्पर्म क्वालिटी बढ़ सके। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में। उसमें से सबसे पहले आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको आपका हेल्दी वेट मेंटेन करना है। ऐसा करने से आपका जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है वो नॉर्मल रहता है और स्पर्म की क्वालिटी भी बढ़ती है। 2 नंबर पे है आपको अपना स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो उससे कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी से सीक्रेट होता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देता है। तो आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो कि फैमिली स्ट्रेस हो। 3 नंबर पे है आपको आपके जो टेस्टिस का है वो टेम्परेचर को लो ही रखना है, क्योंकि भगवान ने हमारा टेस्टिस बनाया है शरीर के बाहर, ताकि उसका 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है ताकि स्पर्म की क्वालिटी और काउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। लेकिन कुछ लोगों का वर्क प्लेस ऐसा होता है कि वहां पे हीट एनवायरमेंट ज्यादा रहता है। अगर आपका वर्क प्लेस ऐसा है तो आप या तो उस वर्क को अवॉइड करें या फिर अपना वर्क प्लेस को चेंज करें। उसके अलावा आज के टाइम में लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। लैपटॉप को बहुत सारे लोग अपनी लैप मतलब अपनी थाई मतलब अपनी जांघों पर रखकर काम करते हैं। उससे जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्ट टेस्टिस को जाती है, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे कि स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है। तो आप अगर आप लैपटॉप का यूज करें तो आपको टेबल के ऊपर रखकर ही यूज करना चाहिए। उसके अलावा आपको आपका स्पर्म रेगुलरली डिस्चार्ज करना चाहिए, आपका जो सीमन है उसको रेगुलरली डिस्चार्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सीमन अंदर कलेक्ट रह जाता है तो उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके स्पर्म की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा आपको टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने हैं, लूज कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनने हैं ताकि आपकी टेस्टिस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़े और किसी तरह का स्ट्रेस नहीं हो। ये तो ही लाइफ स्टाइल के बारे में चीज के बारे में बातें। बात करते हैं क्या फूड सप्लीमेंट आपको लेने हैं, कौन से फूड आपको ज्यादा लेने हैं ताकि आपकी स्पर्म क्वालिटी बढ़े, क्योंकि इनके लेने से आपका जो स्पर्म पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो कम होता है, जो रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कम होते हैं और आपकी स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है। उनमें होता है विटामिन सी, ये आपके ऑरेंज में और लेमन में मिलता है। विटामिन डी, इसको अगर आप धूप में रहते हैं तो आपकी स्किन इटसेल्फ विटामिन डी का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा जो आपके एनिमल फूड्स होते हैं लाइक दूध और नॉनवेज आइटम्स होते हैं उनके अंदर भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन आपका कैप्सिकम में, बादाम में और कद्दू में मिलता है।
इसके अलावा आपको जिंक का रिच फूड लेना चाहिए, ये यूजुअली नॉन वेज फूड में पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो तिल भी बहुत अच्छा जिंक का सोर्स होता है। उसके अलावा आपको फोलेट रिच फूड लेना चाहिए। आपको एक इंडियन हर्ब होती है अश्वगंधा, उसके अंदर भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाते हैं। उसके अलावा कुछ आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोमीग्रेनेट अनार का जूस और वॉलनट्स। अब हम बात करते हैं आपको क्या चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। उसमें से एक है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का यूज करते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी स्पर्म क्वालिटी खराब होती है और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल भी कम होता है। दो नंबर पे होता है सोया प्रोडक्ट्स। अगर आप सोया प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जो कि स्पर्म क्वालिटी और काउंट दोनों के ऊपर भी बैड इफेक्ट देता है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव। एक्टिव क्या होता है? जब आप खुद स्मोकिंग करते हैं। या पैसिव क्या होता है? जब आप किसी ऐसे एनवायरमेंट में बैठे हैं जहां पे अन्य लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनके द्वारा जो निकला हुआ धुआं है वो आपके शरीर में जा रहा है। अगर ऐसा एनवायरमेंट है तो उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि स्मोकिंग से भी आपकी स्पर्म क्वालिटी पुअर होती है। उसके अलावा आपको कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि कोकेन, चरस, गांजा, इनका सेवन नहीं करना है। इनके सेवन करने से भी स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है। उसके अलावा आप कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कुछ लोग जिम में जाते हैं या अपने मसल मास बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं, या फिर आपका स्किन प्रिपरेशन को यूज करते हैं, उसके यूज करने से भी अगर आपकी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन बाहर से जाता है तो आपके ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से जो LH और FSH हार्मोन सीक्रेट होता है वो कम हो जाता है, उससे स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होती है और क्वालिटी स्पर्म पुअर होती है। तो हम लोग ये बोलते हैं अगर आप एक्सटर्नल तौर से किसी भी तरह का टेस्टोस्टेरोन प्रिपरेशन कोई कपल यूज कर रहा है, कोई मेल पार्टनर यूज कर रहा है, तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपको कौन सी मेडिसिन लेने से आपका जो स्पर्म क्वालिटी वो बढ़ेगा। उसमें से होता है फर्स्ट नंबर पे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं जिससे कि आपकी स्पर्म क्वालिटी बहुत इंप्रूव करेगी। उसमें होती होता है कोएंजाइम क्यू सप्लीमेंट्स। अदर्स हैं लाइकोपेन होता है, विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं, विटामिन सी मिलता है, टेबलेट्स मिलती हैं, विटामिन डी के कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, 60K के अवेलेबल हैं, 2K के अवेलेबल हैं, और इसके अलावा आपको फोलेट का टेबलेट्स भी अवेलेबल होती है। 5 मिलीग्राम पर डे में आप लेंगे तो आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर होगी। दो नंबर पे होता है आपको एक अमीनो एसिड लेना होता है, डी एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड। इसके सैशे भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इस अमीनो एसिड से आपके स्पर्म की स्ट्रक्चर बनती है। अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा स्पर्म का तो उसकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म अच्छा होगा। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी हम लोग यूज करते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हाइपोगोनेडिज्म होता है, मतलब आपके जो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो LH-FSH हार्मोन सीक्रेट होता है वो सीक्रेशन कम होता है, जिससे कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कम होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है और स्पर्म का काउंट एंड क्वालिटी दोनों ही अफेक्टेड होती है। उसके लिए आपको एक निश्चित मात्रा में LHH और FSH के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि आपको इंप्रूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया है स्पर्म क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। उसमें हमने लाइफस्टाइल के बारे में बात किया, आपको अपना रेगुलर हेल्थ मेंटेन करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है, आपको जो स्पर्म डिस्चार्ज है वो रेगुलरली करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंट्स फूड होते हैं उनको लेना है। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें कम करनी जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ ड्रग्स लाइक कोकेन, चरस, गांजा, आपको टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ वो अपने डॉक्टर्स की सलाह से लेंगे तो आपका स्पर्म का काउंट अच्छा होगा और आप में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।